हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको भारत की मिट्टियों के में जो हम लोग भारत की मिट्टियां 8 मिट्टियां हम लोगों ने की उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और उनकी समस्याओं के बारे में भी बात चल रही है। आगे हम बढ़ते हुए इसको बात करते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, वो कौन कौन से अपरदन है जिससे भारतीय मिट्टियों को की समस्याएं उत्पन्न हो रही, वो हम बात कर चुके हैं। अब हम मृदा अपरदन को रोकने के उपाय देखते हैं। वृक्षारोपण, हम लगातार वृक्ष काटते रह रहे हैं, उस वजह से भी मृदा अपरदन होता रह रहा है, यानी मिट्टी का कटाव होता रहता है। जैसे मनुष्य अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन को की ओर बढ़ते हुए मनुष्य वृक्षों को काटता चल रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता चल रहा है, तो उस वजह से भी मिट्टी का कटाव होता चल रहा है, मिट्टी का अपरदन होता चल रहा है। हमें उपाय ये करना चाहिए कि वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण विशेषकर पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर क्या है, क्यों वृक्षारोपण होना चाहिए? पहाड़ी ढालों पर इसलिए वृक्षारोपण जिससे मिट्टी का कटाव नहीं हो, मिट्टी ये जो पेड़ है ये मिट्टी को कटने से रोकेंगे। एकदम वर्षा का तीव्र ढाल होगा, धरती का तीव्र ढाल होने से वर्षा के साथ मिट्टी बह जाती है। बंजर भूमि और नदियों के किनारे पे भी हमें वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे कि बंजर भूमि उपजाऊ हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी उपजाऊपन बरकरार हो जाएगा। नदियों के किनारे भी नदी के वेग से कटाव बहुत अधिक होता है, वेग से किनारे किनारे सब कट जाता है। पेड़ होंगे, अगर वृक्षारोपण होगा तो नदी का कटाव कम होगा, इस तरह से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। फिर हम बात करते हैं अतिचारण को नियंत्रित करना। हम पशुपालक लोग क्या करते हैं कि एकदम ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, मतलब उस जमीन पर ज्यादा अतिचारण हो जाता है, इस वजह से भी मृदा अपरदन होता है। तो अतिचारण को रोकने को नियंत्रित हमें करना चाहिए। फसल चक्र की कृषि को अपनाना चाहिए। कुछ फसलें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जमीन की उर्वरकता बनी रहे, फर्टिलिटी उसकी बनी रहे। जैसे कि कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें इतने ज्यादा फर्टिलाइजर और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का हम प्रयोग कर लें कि मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाए। तो हमें ऐसे फसल चक्र को अपनाना चाहिए जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बरकरार रहे। जल के तीव्र वेग को भी रोकने के लिए मेढ़बंदी बनानी चाहिए, मेढ़बंदी जिससे कि जल बहने से रोके। अगर वेग से जल बहता है तो वो मृदा अपरदन के कारण में हो जाए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनाना है। जैसे जितनी भी ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी तो मृदा अपरदन उतना ही ज्यादा होगा। तो हमें क्या है, ऊबड़ खाबड़ जगह को समतल बनाना है, प्लेन बनाना है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। स्थानांतरित कृषि क्या हुई कि जैसे जैसे पहले जमाने में क्या होता है, पहले एक कृषि यहाँ पे की, फिर अगले सीजन में दूसरे पे की, स्लैश एंड बर्न वाली मेथड पहले होता था पहले के जमाने में, पर अब नहीं है। फिर भी ये पहाड़ी इलाकों में बहुत ही क्यों, वहां पे जमीन बहुत है, तो स्थानांतरित कृषि को पर रोक लगाना चाहिए। हमें मिट्टी की उर्वरकता की शक्ति को बनाए रखना, ऐसी चीजों का हमें फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना चाहिए जिससे मिट्टी की उर्वरकता या फर्टिलिटी को बरकरार रखा जाए। जल जमाव की समस्या, कुछ भारत की कुछ मिट्टियों के ऐसे स्थान है, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ वर्ष भर जल जमाव बना रहता है, इससे अपरदन की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। अनेक क्षेत्रों में ऐसे जल निकासी के पर्याप्त सुविधा नहीं है, वो भी तराई क्षेत्र में जल जमाव के कारण मृदा अपरदन होती रहती है। तो ऐसे समय में मिट्टियों के को अनुपयोगी बनी रहे अनुपयोगी को बनाने के लिए इनकी जल जमाव की समस्या को दूर करना चाहिए।
ठीक है, प्रमुख क्षेत्र हो गया तराई क्षेत्र। अब हम लोग बात करते हैं अम्लीय लवणता और क्षारीयता की समस्या। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के कारण यह समस्या से ग्रसित है ये क्षेत्र। तो क्या होता है, हम जब ज्यादा वर्षा नहीं होती है तो अधिक सिंचाई से हम इस कृषि पर फसल करते हैं। जब ज्यादा हम इस पे सिंचाई के माध्यम को यूज करते हैं तो क्या होता है, ये जमीन की उर्वरक शक्ति को खत्म कर देता है। या क्या हो गया, उसमें अम्लीयता, लवणता और क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये ज्यादा हम लोग जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है, फर्टिलाइजर्स का, इरिगेशन का, ये जो सिंचाई की को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये दिन पे दिन समस्या बढ़ती जा रही है और ये बेकाबू। अगर इस पे हमने रोक नहीं लगाया, वृक्षारोपण करके, मेड़बंदी करके, वृक्षों को नदियों के किनारे पे रोकना, ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करना, है ना, और जो वो है अतिचारण को रोका नहीं गया, तो ये भयावह स्थिति ले सकती है। अभी भी कोई कम वो नहीं है, वृक्षारोपण हम पेड़ों को काटते चल रहे हैं तो उस वजह से क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो गोरे लोग हैं उनको स्किन कैंसर हो रहा है। टेम्परेचर, जो तापमान है पृथ्वी का, वो तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, आप गर्मी में देख रहे हैं तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड अमूमन पहुंच जाता है। ये किस वजह से, ये हमने जो वृक्ष को काटा है, ये वृक्ष क्या है, तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा को लेके आते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, ठीक है। ये सब कारण है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। तो पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है वो असंतुलित हो जाता है, जिस वजह से ये ज्यादा परेशानी आती है। तो हमें इन परेशानी, इन उपायों, मृदा अपरदन के जो रोकने के उपाय हमने बताए हैं, उन पे अमल करना चाहिए, जिससे कि भारतीय मिट्टियों में जो समस्या आ रही है वो दूर की जा सके।